29 जुलाई 2020 तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, क्योंकि इसी दिन पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मनों से लड़ रहे भारत को राफेल के रूप में ब्रह्मास्त्र मिला। राफेल विमानों का पहला जत्था भारत पहुंच चुका है, लेकिन जैसे ही राफेल भारत की धरती को छूने ही वाला था, उससे पहले हवा में कुछ ऐसा रोचक हुआ जिसने पूरे देश को गर्व से भर दिया। ये थी नौसेना और राफेल के बीच हुई बातचीत। जी हाँ, जैसे ही फ्रांस से भारत आ रहे 5 लड़ाकू राफेल विमानों ने भारतीय सीमा में प्रवेश किया, उसके साथ ही INS कोलकाता से संपर्क भी साधा, तो नौसेना ने राफेल का स्वागत किया। इंडियन नेवल वॉरशिप डेल्टा 63, वेलकम टू द इंडियन ओशन। Naval warship Delta 63, Aero Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Aero Leader, Delta 63, may you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Aero Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. INS कोलकाता और राफेल के बीच की इस रोचक बातचीत ने वहां मौजूद सभी के चेहरों पर हंसी ला दी, क्योंकि ये पल गौरवान्वित कर देने वाला पल था। राफेल विमानों के बारे में अधिकारियों ने बताया कि इस विमान में 1 सीट वाले और 2 सीट वाले विमान होंगे। आपको बता दें, लैंडिंग से पहले हरियाणा के अंबाला सैन्य अड्डे में धारा 144 लागू कर दी गई थी, साथ ही आसपास तस्वीरें लेने और वीडियो बनाने पर रोक लगा दी गई थी। सैन्य अड्डे के 3 किलोमीटर के दायरे में निजी ड्रोन उड़ाने पर भी रोक लगा दी गई थी।